नमस्कार दर्शकों, मैं किंजल कौर दमन न्यूज में हाजिर हूँ नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी नगर पालिका में सामान्य सभा का हुआ आयोजन। दादरा नगर हवेली में आने वाले चुनाव को लेकर लोगों को ईवीएम मशीन की दी गई जानकारी। खड़की हाईवे पर हुए सड़क हादसे में बाइक चालक की हुई मौत। कचीगांव में चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने किया डोर टू डोर प्रचार। अब समाचार विस्तार। वापी नगर पालिका में आयोजित सामान्य सभा में सत्ता पक्ष के सभ्यों ने वार्ड के काम नहीं होने पर रोष प्रकट किया। वापी नगर पालिका में कोरोना वायरस महामारी की वजह से 6 माह बाद 28 अक्टूबर को सामान्य सभा का आयोजन किया गया था, जो कि पालिका अध्यक्ष विठल भाई पटेल और चीफ ऑफिसर दर्पण ओझा की अध्यक्षता में आयोजित। इस सभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने वार्ड के विविध काम न होने पर रोष प्रकट किया था। सामान्य सभा में प्रस्ताव और सभ्यों की मांग को ध्यान में रखते अध्यक्ष विठल पटेल ने बताया था कि कोरोना महामारी की वजह से 6 माह बाद सामान्य सभा का आयोजन किया गया है। 6 माह जितने लंबे समय की वजह से वार्ड में अनेक तकलीफ आई है, जिसके लगते सत्ता पक्ष के सभ्यों ने इस मुद्दे पर रजूआत की थी, जिसमें हर एक वार्ड में स्ट्रीट लाइट की मुख्य समस्या होने की वजह से उनका निराकरण की मांग की थी। अध्यक्ष के बताए अनुसार स्ट्रीट लाइट का काम जिस कॉन्ट्रेक्टर को सौंपा गया है उसके काम से उन्हें संतोष नहीं है, जिसको ध्यान में रखते पालिका ने अपने कॉन्ट्रेक्टर को रिपोर्टिंग का काम सौंपा है। इसी तरह सभ्यों द्वारा पानी रास्ते की समस्या अंतर्गत मांग की गई थी, जिसका भी आगामी दिनों में निराकरण होगा, ऐसा अध्यक्ष विठल भाई पटेल ने बताया था। सामान्य सभा में मुख्य चर्चित मुद्दों में डुंगरा में पानी की पाइपलाइन के लिए जमीन अधिग्रहण, सॉलिड वेस्ट, रिंग रोड सहित के कार्यों आने वाले दिनों में हो जाएंगे, ऐसा विश्वास दिलाया था। उल्लेखनीय बात तो ये है कि नगर पालिका में आयोजित सामान्य सभा में तमाम सभ्यों की उपस्थिति में 29 जनवरी को आयोजित सामान्य सभा की कार्यवाही नोट की पुष्टि की गई थी। इस उपरांत 2019 को अप्रैल से मार्च तक वार्षिक हिसाब की पुष्टि भी की गई थी। साथ ही कोरोना महामारी दौरान पालिका के कर्मचारियों सभ्यों ने निभाई सामाजिक जिम्मेदारी के बदले चीफ ऑफिसर ने उनका अभिनंदन दिया था। कोरोना वैश्विक महामारी ने लेने हमारी आ 6 महीना पछी सामान्य सभा मळी, એટલે સ્વાભાવિક છે કે થોડી તકલીફો તો હતી, અને એમાં અમારા સભ્યો પણ અમારા સભ્યો છે, રજૂઆત કરવાની એ બધાને અધિકાર છે, અને અમારે થાય ક્યાંક તકલીફો થતી હોય તો રજૂઆત કરી શકે છે। અમારી જે ગુજરાત સરકારની જે એને કોન્ટ્રાક્ટ આપેલો છે વાર્ષિક 6-7 વર્ષનો, એને જો મેન્ટેનન્સનો કોન્ટ્રાક્ટ, એના માટે બી અમે એમાં અસંતોષ છે, અમે એની સાથે સહમત નથી, અને એ દ્રષ્ટિએ અમે અમારા માણસોથી આ લાઇટો લગાવવાનું કામ ચાલુ કર્યું છે। પણ સામાન એમના તરફથી આવતો હોવાથી અમને થોડીક એમાં અગવડ પડે છે। હાલમાં 200 જેવી લાઇટો બંધ છે, બાકી બીજી કોઈ અચાનક બંધ થયેલી હશે તો બધું અમે વર્લ્ડવાઇઝ સર્વે કરીને અમે જેટલું જલ્દી થાય એટલી લાઇટો ચાલુ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। બાકીના અમારા જે નવા પ્રોજેક્ટ આગળ આવવાના છે કે પાણીની યોજના લઈ આવે છે, એમાં ડુંગરામાં સંપાદન માટેની જમીનની કાર્યવાહી ચાલે છે, એ જ રીતે અમારું સોલિડ વેસ્ટ સાઇટ આગળ પણ એક સંપાદનની જમીનનો કાર્યવાહી કરવાના છે, અને રિંગરોડમાં અમારું જે કામ અટકેલું છે એ જમીનના લીધે એનું પણ સંપાદનની કાર્યવાહીમાં અમે આગળ વધી રહ્યા છે। આ રીતે જે વિવિધ કામો છે એને આગળ વધારવાનો પૂરતો પ્રયત્ન અમારો ચાલી રહ્યો છે। દાદરનગર હવેલીમાં હોને જા રહે આગામી ચુનાવ કે મદ્દેનજર ચુનાવ વિભાગ કે કાર્યકર્તાઓ દ્વારા લોકો કો ઈવીએમ મશીન દ્વારા વોટ કરને કી જાણકારી દી ગઈ। દાદરનગર હવેલીમાં હોને જા રહે આગામી ચુનાવ કે મદ્દેનજર સભી ગામોમાં ઈવીએમ મશીન કી જાણકારી વિસ્તૃત રૂપ સે દી જા રહી હે। જૈસે કી હમ સભી જાનતે હે, દાદરનગર હવેલી એક આદિવાસી વિસ્તાર હે, જહાં છોટે છોટે ગામોમાં જાકર ઇલેક્શન બૂથ કેમ્પિંગ કર ગામવાસીઓ કો ચુનાવ વિભાગ કે બ્રિજભૂષણ સર દ્વારા कैसे वोट डालना है इसकी जानकारी दी जा रही है। बीच में आपको जब फुर्सत मिले तब आप मुंह पे मास्क रख लेना, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, थोड़ा वो भी सावधानी रखनी है। वोटर इपिक कार्ड है ना, वोटर कार्ड अगर अमुक संयोग में वोटर कार्ड नहीं मिल रहा है, आप वोटर हो, आपका नाम वोटर लिस्ट भी मान्यता दिया है, जिस पर यदि हमारा फोटो है तो वो लेकर के भी हम बूथ पे जा सकते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और वहाँ पे मतदान कुटीर में पहुँचोगे तो वहाँ पे ये तीन मशीन रहेगी। जरा गणेश भाई बढ़िया से दिखाओ मशीन। पंचायत से पंचायत सभ्य के लिए जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका सीरियल नंबर, ये भाई को वोट देना है, ठीक है। हमने इसको देखो दबा दिया, देखो
रेड लाइट जली। अरे वाह यार, दो बाकी है, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए यार। अब यार का नाम और उसके आगे में चुनाव चिन्ह रहेगा। पारडी खड़की नेशनल हाईवे के रेमन कंपनी के पास बाइक स्लिप हो जाते, चालक की इलाज के दौरान हुई मौत। पारडी नजदीक खड़की नेशनल हाईवे नंबर 48 पर रेमन कंपनी के सामने पल्सर बाइक नंबर GJ05HF0672 के चालक नरेश महादेव, जो चलथान सूरत के निवासी हैं, वो लापरवाही पूर्वक बाइक चला रहे थे, तब बाइक के अचानक स्लिप हो जाते। चालक और उनके साथ सवार शुभम शिरीष कुमार को गंभीर चोटें लगी थी, तब दोनों को 108 में वलसाड़ सिविल अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया था, जिसमें चालक नरेश की हालत ज्यादा गंभीर हो जाते उसे सूरत के अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो चुकी है। इस घटना अंतर्गत मृतक के पिता ने पारडी पुलिस मथक में शिकायत दर्ज की है, तब अब पारडी पुलिस ने दुर्घटना का गुनाह दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दमन न्यूज में वक्त है एक ब्रेक का। हुआ प्रारंभ, जिसमें सरपंच प्रत्याशी नागर भाई पटेल, जिला पंचायत के उम्मीदवार निमेश भंडारी और पंचायत सदस्यों के साथ डोर टू डोर प्रचार में गांव के आगेवन और भाजपा कार्यकर्ता भी हुए शामिल। कच्ची गांव में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता व उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार की कामगिरी शुरू कर दी है। सभी पार्टी अपने अपने पार्टियों के एजेंडे लेकर जनता से वोट की अपील में जुट गए हैं। आने वाले 8 नवंबर को मतदान होने वाले हैं,
जिसके चलते वार्ड नंबर 1 से आज चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रत्याशियों के साथ डोर टू डोर प्रचार में गांव के आगेवान और भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे। कच्ची गांव में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता व उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार की कामगिरी शुरू कर दी है। सभी पार्टी अपने अपने पार्टियों के एजेंडे लेकर जनता से वोट की अपील में जुट गए हैं। आने वाले 8 नवंबर को मतदान होने वाले हैं, जिसके चलते वार्ड नंबर 1 से आज चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रत्याशियों के साथ डोर टू डोर प्रचार में गांव के आगेवान और भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे। મારું નામ નિમેશ કાંતિલાલ, કચ્છી ગામનો ઉમેદવાર છું। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મને ટિકિટ આપી છે જિલ્લા પંચાયત 1216 અને મારા પર વિશ્વાસ રાખી મને ટિકિટ આપી છે અને મારા મારા સાથે આખું ગામ ફર્યું તો છે અને મારું ગામનો વિશ્વાસ છે મારા સાથે અને મારા દમણના દમણડીના લાલુભાઈ એમપીનો મને ફૂલ સપોર્ટ છે। ભારત માતા કી જય। મને વોર્ડ નંબર 1માંથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઉમેદવાર કપ્રભેકી ભાજપ સમર્થિત ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઉમેદવાર ભાજપ સમર્થિત મારું નિશાન છે કપ્રભેકી અને આજે અમે નીકળી પડ્યા છે વિજય જુલુસ લઈને ને અમારી જીત પાકીને પાકીને પાકી છે। અમે અમારો રસ પર અંતની અમે નીકળી પડ્યા છે અમારી જીત પાકી છે કોઈ અમારો રસ રોકી નહીં શકશે। ભારત માતા કી જય। મારું નામ નાગરભાઈ પરાગભાઈ પટેલ, મેં સરપંચની ઉમેદવારી ભાજપ સમર્થક પ્રેરિત કપ્રભેકીનું મારું નિશાન છે ને તમે જોયું તો હશે જ અમારો વિજય નિશ્ચિત છે એકદમ પાકો ને પાકો ને પાકો। ભારત માતા કી જય। આજે અમારી સાથે આખું ગામે જ જોડાયું, બહુ એટલે બહુ જબર જંગી બહુમતીથી અમારો ભવ્ય વિજય થશે એવી एकदम हमने प्रोत्साहन मिलो से। वलसाड एलसीबी ने डुंगरी हाईवे ब्रिज के पास से सोने चांदी के आभूषणों की चोरी करते दो आरोपियों को मुद्दामाल के साथ किया गिरफ्तार। वलसाड के डुंगरी विस्तार में एलसीबी की टीम जब पेट्रोलिंग पर थी, उस दौरान मिली जानकारी के अनुसार चोरी किए हुए सोने चांदी के आभूषण बेचने आए दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डुंगरी NH हाईवे नंबर 48 के ओवरब्रिज के नीचे सर्विस रोड पर आरोपी किशन रमेश भाई मारवाड़ी और मिस्त्री उर्फ मिति चतुर्भाई मारवाड़ी दोनों मोतीवाड़ा में रहते हैं। उन दोनों को सोने चांदी के आभूषण बेचते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चांदी के आभूषण जिसकी कीमत 38,100 रुपये है, 18,000 रुपये कैश, मोबाइल वगैरह मिलाकर कुल 61,700 का मुद्दा माल कब्जे किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर डुंगरी पुलिस को सौंप दिया गया है। आरोपी ने वलसाड जिला के पारड़ी नानापोंडा जैसे शहरों में चोरी करने का कुबूल किया है। वापी KBSN नटराज कॉलेज द्वारा NSS यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वापी चौड़त कॉलोनी स्थित केशव जी भारमल सुमेरिया कॉमर्स एंड नटराज प्रोफेशनल साइंस कॉलेज वापी के NSS यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दक्षिण वन विभाग वापी के RFO श्री चेतन भाई पटेल मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने अपने जीवन अनुभवों और कार्यक्षेत्र के अनुभव विद्यार्थियों को बताते हुए वृक्षों का मानवीय जीवन और वातावरण में कितना महत्व है ये बताया और विद्यार्थियों को वृक्षारोपण करने के लिए आह्वान किया था। कॉलेज के आचार्य पूनम चौहान ने कॉलेज के NSS यूनिट के कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को समाज प्रति की सेवा के बदले उनकी सराहना की थी। इस कार्यक्रम में NSS यूनिट के प्रोग्राम ऑफिसर खुशबू देसाई तथा कॉलेज स्टाफ साथ ही दक्षिण विभाग वापी के स्टाफ से मुकेश उपाध्याय, श्रीमती MC गावित, DC पटेल और NSS यूनिट के स्वयं सेवक उपस्थित रहे थे और समग्र कार्यक्रम को सफल बनाया था। समग्र कार्यक्रम का संचालन भरत भाई दीक्षित ने किया था। इसी तरह वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कॉलेज के आचार्य श्री पूनम चौहान ने वन विभाग के ऑफिसर्स, वन विभाग स्टाफ और कॉलेज के NSS यूनिट और समग्र स्टाफ का आभार व्यक्त किया था। खबरों की समाप्ति से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर।
वापी नगर पालिका में सामान्य सभा का हुआ आयोजन। दादरा नगर हवेली में आने वाले चुनाव को लेकर लोगों को ईवीएम मशीन की दी गई जानकारी। खड़की हाईवे पर हुए सड़क हादसे में बाइक चालक की हुई मौत। कचीगांव में चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने किया डोर टू डोर प्रचार। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक किंजल गौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।